मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्रेक एंड बेकन्स वेल्स में आज कुछ कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग तो कर ही रहे हैं, मगर साथ हम आज कुछ बारबेक्यू करेंगे और साथ कुछ और भी कुकिंग करेंगे जो आप अभी देखेंगे कुछ देर बाद। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें मेरे साथ, और मज़ीद आपको अच्छी वीडियोज़ दिखाते रहेंगे। तो ये देखें जी, ये ट्रे हमने छोटी अभी यूज़ की है, बड़ी यूज़ कर रहे हैं। और ये हमने जो है वो राइस के लिए ये हम रेडी कर रही है साबिया, ये कोयला जल रहे हैं, ये राइस के लिए रेडी कर रही है। और सामान सामान सारा इधर रेडी है। ये चिकन बस उधर रखो साबिया, मैं रखूँ? हाथ से रख दो, हाथ से रख दो। जस्ट 7 or 8 है ना। ये देखे जी, ये लाइटर से हमने जला लिया था। और ये हमारा कूलर, ये सेटअप, अंदर हमारा टेंट, जाली से शायद दिख नहीं रहा हो, मैंने शायद दिखाया पहले, बट ये सेटअप देख लीजिए, हमने रख लिया अभी अंदर क्योंकि धूप नहीं है तो मज़ीद टेंट की भी ज़रूरत नहीं है। और ये सारे इसमें हमारे स्लीपिंग बैग हैं, तो ये सब सेटअप है। और ये नेट, ताकि कोई चीज़ मच्छर जाए नहीं, वैसे तो मच्छर वच्छर कुछ आई नहीं, बहुत ही प्लेजेंट जगह है ये। ये देख लीजिए, ये बन रही है साबिया जो है इस वक्त। ये देखिए, ये कुछ चिकन ये बिरयानी में डाल रही है और कुछ चिकन हम ग्रिल करेंगे। यहाँ पास पास का माहौल, ये लोग अभी कहीं गए हैं गाड़ी पे। और ये देखिए जी, हमारी गाड़ी फुल ऑफ ट्रैश कैन बनी हुई है, हर चीज़ को खाने पीने का सामान लाया। ये ऑयल भी है साथ, ये ऑयल है कुकिंग ऑयल, विटामिन ई, प्रो विटामिन ए, सारा तरह से लेके आई। ये कोको तो मैं ज़रा इसमें चिकन बनाने में हेल्प करता हूँ, फिर मिलते हैं। तो देखें दोस्तों, ये बारबेक्यू रेडी हो रहा है, साथ बिरयानी के लिए वो रेडी हो रहा है। और ये आग लग रही है इसमें ज़बरदस्त। और ये जनाब तकरीबन बड़े ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो बस वेट कर रहे हैं कि ये पक्की वाकई हम खाने। तो मैंने कहा सर आप लोगों को भी शामिल कर लेते हैं इसमें, और ये सराउंडिंग भी आप साथ साथ देख ही लें, तो यही एक्टिविटी में मज़ा आता है। तो जंगल में अगर आप, जंगल क्या, ये एनिमल्स वाला जंगल तो नहीं है खैर, ये लोगों के लिए बनाया गया है, मगर इसमें आप अगर 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे या दिन गुजार लेते हैं तो जो आपको फ्रेश एयर मिलती है वो आप शहर में नहीं मिलती, जहाँ पे ट्रैफिक पोल्यूशन और ये सब होता है। तो आप लोग भी कभी कभार कुछ ऐसा प्लान किया करें कि यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह हो जो आपके घर के करीब हो, जहाँ कैंपिंग हो सकती है, तो वहाँ कैंपिंग करें। ये देखें, लोग आए हुए हैं, कुछ आए हैं, कुछ चले गए हैं, और हम इस पर अभी मज़ीद वर्क कर रहे हैं। तो देखें, फिर जब रेडी प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कर देंगे तो लोगों को पता चले कुछ क्या हो रहा है आसपास, तो मज़ीद आपको फिर हम अपडेट देते हैं। सो जनाब, ये देखें जी, हमने जो है वो बिरयानी जो है वो रेडी है, करीब है, हमने ये बारबेक्यू फिनिश कर लिया। अब हमने इसमें जो पानी कर दिया ताकि ये उबलना शुरू हो जाएगा, तो चाय के लिए भी पानी रेडी होगा। और बाकी आप देखें जी, वेदर बेस्ट वेदर चल रहा है इस वक्त, तो खाना छाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे वॉक पे और जाएंगे कुछ थोड़ी बहुत हाइकिंग करेंगे। साथ इधर पास में एक रिवर भी है, उसका वेल्श नेम कहते हैं ना, तो मुझे उसकी प्रोनाउंस करने में शायद मुश्किल होगी। ये टिटफिल में है, तो इधर जाएंगे और
साथ आगे एक रिजर्वायर भी है बहुत अच्छा, वहाँ तो लोग स्विमिंग भी करते हैं, तो अब पता नहीं क्या स्विमिंग अभी अलाउ करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अगर पानी कुछ सर्टन लिमिट से ज़्यादा हो तो फिर शायद अलाउ नहीं करते। मगर बहुत खूबसूरत मौसम है, आपने देख ही लिया होगा मेरे जो है वो पसीनों पसीन हो रहा हूँ बारबेक्यू करके। मगर एक बहुत मज़ा आया, और अभी बिरयानी जो है वो रेडी हो रही है, साबिया जो है वो फाइनल टच दे रही है बिरयानी को, शायद दम देगी शायद, तो फिर देखिए आपको हम दिखाते हैं जब हमें वो परोसेगी। और ये मैंने एक बारबेक्यू वैसे ही खा ली चेक करने के लिए कि कैसी है, तो बड़ी ज़बरदस्त कुक हुई है, मसाला ज़बरदस्त धस गया था, क्योंकि हमने एक दिन पहले तकरीबन, हाँ एक दिन पहले हमने इसको जो है वो मैरिनेट करके और फ्रीज़ कर दिया था, तो बेस्ट टेस्ट आ गया, रच बस गया गोश्त के अंदर टेस्ट। तो देखिए आपको अभी हम फिर बताएंगे, जब ये हमें परोसेंगी तो हम आपको दिखाएंगे फाइनल लुक क्या आती है। ये देखिए ज़रा, मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं कि ये चावल देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खिला खिला है और कितना लंबा लंबा है ये चावल, जैसे बासमती होता है शायद, मगर बड़ा ज़बरदस्त इसको जो है ना दम आया। तो ये भी एक कुकिंग टेक्निक है कि आपका चावल जो है साबुत रहें और लंबे लंबे रहें। तो दोस्तों ये देखें, ये सैलड और ये बारबेक्यू, ये बिरयानी, ये मैंने अपनी प्लेट में डाल ली है, और ये जो है ये रॉकेट सैलड भी है, मैं डायरेक्टली खा रहा हूँ एक्चुअली। तो आप देखें माशाल्लाह से बेबी क्यूकम्बर सैलड बारबेक्यू, ये हमारा सेटअप। खाने के बाद थोड़ी देर सुस्ता सकते हैं वैसे, आराम से अपना जो है पूरा बेहतरीन टेंट रेडी है सोने के लिए। पानी हम उबाल रहे हैं उसी के ऊपर जिस पर हमने बारबेक्यू बनाया था, तो हम इनका इस पर जो है पानी रख देते हैं, तो पानी उबल जाएगा चाय के लिए। और ये देखिए जी, आस पास देखिए जी, कुछ नए लोग आ गए हैं, कुछ चले गए हैं, और अब मैं जा रहा हूँ खाने के। देखिए जी, तो अब फिर आपको जो है खाने के बाद बताते हैं जी कैसा टेस्ट, तो बहुत मज़े के मैंने ट्राई कर लिया ऑलरेडी, तो फिर आपको हम मज़ीद वैली दिखाते हैं खाने के बाद। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, तो आज हम लोग आए हुए हैं इधर कैंपिंग के लिए, तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों से शेयर करें। तो अभी इस वक्त जो है वो बहुत थके हुए हैं क्योंकि अब कुकिंग की है, और ये आप देखें पीछे कैंप वगैरह लगे हुए हैं सब, ये देखें, तो ये है कैंप लगे हुए हैं, अभी हमने कुकिंग की है, और ये हमने अभी जो है वो चाय रखी हुई है, इस पर हमने बारबेक्यू बनाया था, और साथ हमने बिरयानी बनाई है, और पेप्सी और कोक शोक चल रही है। और आपको मैं दिखाता हूँ टर्न अराउंड करके, ये हमने बिरयानी बनाई है और इसमें बारबेक्यू सैलेड, ये हमारा एज़ यूजुअल फ्रीज़र कोक वाला, चाय हमारी अब रेडी हो रही है, और इस भी हमारा चूल्हा वगैरह सारा सेटअप, साबिया साहिबा भाग दौड़ कर रही हैं ये देखें, और ये हमारा कैंप। मैंने कहा चले क्विकली शेयर कर लूँ आप सबसे, ये देखिए जी हमारा ये सोने का भी इंतज़ाम है, अब खाना खा के थोड़ी देर चाय पी के लेटेंगे फिर वॉक पे जाएंगे। तो ये देखें जी, और बाकी बहुत अच्छी जगह है ये, और ये देखें आप वैली देखें साथ सारी। तो अभी बस क्विक क्विक बना रहा हूँ, फिर आप मेरे वीलॉग में देखिएगा इसकी तफसील, वीलॉग में तफसील से आपको जो है वो सारा कुछ बताऊँगा भी दिखाऊँगा भी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भाई इतने सारे शरीफ से हैं और सिर्फ 15-16 ने किया है, या नहीं ज़्यादा ने कर दिया, तकरीबन सब ने कर दिया, मगर जो ने रह गए वो भी कर दें, अल्लाह आपको बहुत सवाब देगा। और मैं हर नमाज़ में आप भाई बहनों बच्चों के लिए दुआएं करूँगा कि आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ मिलें, और उसके लिए सिर्फ शर्त एक है दुआओं के लिए कि भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मज़ाक कर रहा हूँ।